ये तस्वीर देखिए, ये लालू के समय के किसी चरवाहा विद्यालय की नहीं है, बल्कि विकास पुरुष नीतीश कुमार के शासन में चल रही ग्रामीण अस्पताल की है, जहां चिकित्सक तो नदारद रहते ही हैं, लेकिन जिस जगह पर हेल्प नंबर लिखा हुआ है वहां बकरी का चारा रखा हुआ है। जनता के पसीने से टैक्स के रूप में वसूले गए गाढ़ी कमाई से सरकार और उनके अधिकारी किस तरह से वारे न्यारे करते हैं, जरा आप खुद देखिए। आपको बता दें कि वैश्विक महामारी कोरोना के गांव की ओर पांव पसारते देख सरकार ने ये गाइडलाइन जारी किया कि स्वास्थ्य कर्मियों और चिकित्सकों को अब गांव के अस्पतालों में तैनात किए जाए। और यही नहीं, बल्कि जहां सरकार का अपना ग्रामीण अस्पताल नहीं है वहां भाड़े पर भवन लेकर अस्पताल चालू किया जाए, ताकि लोगों को इस महामारी से बचाया जा सके। पर सरकार का जो अस्पताल है उसकी हकीकत आप खुद देख सकते हैं। इधर सरकार के आदेश के आने के बाद पूर्वी चंपारण जिले के हरसिद्धि विधानसभा के राजद के पूर्व विधायक राजेंद्र राम अपने विधानसभा क्षेत्र के लगभग सभी ग्रामीण अस्पतालों का हाल लेने निकले, पर सरकार के स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल जो सामने आया उसे देखकर वो चकित हो गए। यही नहीं, बल्कि उनके गांव के अस्पताल का भी यही हाल रहा। कुछ एक जगह को छोड़ लगभग सभी ग्रामीण अस्पतालें बंद पड़ी थी। यही नहीं, बल्कि उनके गांव मथुरापुर के ग्रामीण अस्पताल का हाल और बेहाल दिखा, जो चरवाहा विद्यालय का रूप ले चुका है। हालांकि सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो ये है कि यहां वर्षों से स्वास्थ्य कर्मी की तैनाती भी की गई है, पर आज तक वो यहां पहुंच नहीं पाए हैं। पूर्व विधायक ने जब फोन लगाकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी से स्थिति जानना चाहा, तो उन्होंने खुद स्वीकारा कि इस अस्पताल में तो कर्मी को तैनात कर दिया गया है, पर वो ड्यूटी कब और कहां करते हैं इनकी जानकारी उन्हें भी नहीं है। जरा आप भी सुनिए फोन कॉल। बंद पड़ा है और हमको जो यहाँ पे लोग जब हम ज्वाइन किए तो वो लोग भी बदमाश थे, मैडम बंद है, तो हम विभाग को भी लिखते थे कि इसको आगे सुदृढ़ करने के लिए काम किया जाए। एएनएम हम वहाँ पे दिसंबर के समय में एएनएम भेज दिए थे, नर्स जो होती है काम करने के लिए, दिसंबर में वहाँ भेज दिए कि कुछ नहीं सही, कम से कम टीकाकरण तो शुरू हो, दवाई तो बटे। नहीं नहीं, पहले के दिनों में आज से 10 साल पहले यह हॉस्पिटल इतना सुचारू ढंग से चलता था कि यहाँ पर ऑपरेशन थी। मेरे समय में स्थिति खराब रही, जब हमको जानकारी मिला तो हम तो सबसे पहला काम कर सकते कि एएनएम भेज दिए। अब धीरे धीरे नहीं, अब उसके बाद कोविड आ गया है। नहीं नहीं, ये तो 5 वर्षों से बंद है, ये आप जान रही हैं। अरे भाई जान रहे, तो हम आए हैं सितंबर में, तो अभी आपके द्वारा कोई प्रतिनियुक्त नहीं किया गया है एएनएम वगैरह क्या? वो इमली तुम भी नाम आपको बता दिए, दिसंबर में उनको दे दिए तो आपको तो नाम हम बता रहे हैं। तो वहाँ एक बार भी एक दिन भी नहीं आई है ना दवा यहाँ पर आया है, इसलिए इसकी जानकारी चाह रहे थे आपसे। हम उनको उनका नंबर दे रहे हैं आपको, ठीक है? आप मोनिटरिंग अथॉरिटी आपके पास है मैडम, आप उसके पदाधिकारी हैं, उससे ये जानकारी प्राप्त करिए किन कारणों से अगर दावा वहां से उठाई तो। पूर्व विधायक राजेंद्र राम अस्पताल में लटके तालों को पकड़ कर वर्तमान सरकार पर जमकर सवाल खड़े किए और कहा कि सरकार के इस बदहाल सिस्टम में जल्द से जल्द सुधार नहीं होता तो वे आगे आकर सड़क पर उतर आंदोलन करेंगे। इन सब के बीच आपको बता दें कि पूरे जिले में लगभग 70 APHC हैं, जिनका कमोबेश यही हाल है। ऐसे में आप समझिए कि सरकार के कथनी और करनी में कितना अंतर है। इसलिए हम कह रहे हैं कि सरकार के स्वास्थ्य व्यवस्था दावा से नहीं दुआ से चल रही है। चाह रहे हैं कि आज मैं अपने हरसिद्धि विधानसभा के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का दौरा किया हूं। जैसा कि 20 तारीख को धरना का हमने तिथि रखा था, लेकिन अनुमति जिला पदाधिकारी के माध्यम से नहीं प्राप्त हुई और उनके द्वारा कहा गया कि प्रत्येक जगहों पर दवा और स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध रहेंगे, जिसकी जाँच करने मैं निकला था। सभी जगहों पर देखे, किसी भी पंचायत में कोई भी केंद्र संचालित नहीं है, न दवा है न डॉक्टर है। इसलिए यह सरकार की सोई हुई आत्मा निश्चित तौर पर जगाने के लिए, इस अंतरात्मा को जगाने के लिए मैं दर दर भटका हूं और लोगों से पूछा हूं, लोग तबाह है कोरोना
कि जो महामारी है अब गांव की तरफ प्लान किया है, और इस परिस्थिति में गांव के जितने भी प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र हैं सरकार को निश्चित तौर पर खोल करके वहां दवा की व्यवस्था और स्वास्थ्य कर्मी के रूप में सलाहकार के रूप में वहां स्टाफ को रखना चाहिए। लेकिन इस तरह का व्यवस्था नहीं कर सरकार जो है निश्चित तौर पर इस महामारी में जितना बड़ी पाप कर रही है, यह पाप से यह सरकार बचने वाली नहीं है। पैतृक स्थान मथुरापुर में मेरे घर के सामने प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ की हालत आप सभी को हम बताएं कि जिस समय हम विधानसभा में थे, विधानसभा में लगभग दर्जनों बार सवाल उठाया और सरकार से आश्वासन मिलती रही कि अविलंब चालू होगा, 6 बेड में चालू होगा, लेकिन हालत है यह कोरोना काल में, देखिए यह ताला लगा हुआ है। कोरोना काल में जब एक जनप्रतिनिधि पूर्व विधायक जो लगातार सदन में आवाज उठाया, वहाँ के उप स्वास्थ्य केंद्रों का हालत यह है, इस कोरोना काल में सभी बंद हैं, ताला लगे हुए हैं। अधिकारी क्या कहते हैं? अधिकारी कहती हैं यहाँ पर जो प्रभारी के रूप में है वह डेंटिस्ट हैं, पर पता नहीं कि सरकार में कैसे प्रभारी बन बैठी हैं। उनका कहना है कि हमको मालूम है 5 वर्षों से अधिक समय से यह हॉस्पिटल बंद है। यह मेरे पास फुटेज है, आप लोगों को बताना चाहे, वह वीडियो भी है, हम बताना। यहाँ पर एक प्रतिनियुक्ति बताई है कि किसी का है, लेकिन शायद कागजों में है। जब वही कह रही है कि 5 वर्षों से बंद है तो प्रतिनियुक्त करके फिर कहाँ काम करवाती, ये हम नहीं जानते। लेकिन सरकार की झूठी, खुद लॉकडाउन टूटने के बाद मैं सड़क पर उतरूंगा और अपने विधानसभा के लोगों के लिए आंदोलन करने का काम करूंगा।